दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने दिग्विजय सिंह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में दिग्विजय सिंह के रिश्ते आतंकियों से होने की बात कही है। दरअसल जब महेंद्र नाथ पांडे से ये पूछा गया कि एग्जिट पोल को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नकार दिया है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह विचित्र राजनेता है, वो एग्जिट पोल नहीं मानेंगे। हो सकता है कि उनके जो आतंकवादी रिश्ते हैं उन्होंने दिग्विजय को कुछ भरोसा दिया हो। अब दिग्विजय सिंह एक विलक्षण राजनीतिक व्यक्ति है, वो कब क्या चीज को मानते हैं, हो सकता है उनके आतंकवादी जो रिश्ते हैं उन्हें कुछ भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की दी गई सीटों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरा अब भी भरोसा है कि हम और योगी जी 73+ का जो दावा कर रहे हैं, हमारा वो दावा सार्थक होगा। हमारा आकलन है कि अमेठी और आजमगढ़ में भी हम जीतेंगे। 23 की मतगणना आ जाने दीजिए, एग्जिट पोल में 1-2 माइनस, शेष 5 ने जो है, किसी ने 55, किसी ने 65, किसी ने 62 दिखाया है। मेरा अब भी भरोसा है कि हम और योगी जी जो हम लोग दावा कर रहे हैं वो दावा 73+, हमारा वो दावा सार्थक रहेगा। क्योंकि जैसे उदाहरण के रूप में हमारा आकलन है अमेठी में हम जीतेंगे, हमारा आकलन आजमगढ़ में हम जीतेंगे, तो हमारा आकलन की प्रतीक्षा करिए।